अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद है, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर, साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब कुरान पाक को इस ज़मीन पर उतारा, तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर्स ही नहीं, वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में दो डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का ये निज़ाम था, मतलब कि ये सिस्टम था, कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसके माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस रोज़ हुआ ये कि जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी, वो जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सोच रहा था, इसीलिए वह पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया, तो अब वही बताए कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टरों की वो बात सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है, और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है, जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है, और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से दो गुना होता है। और साथ में उन आलिमों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाकिया भी बयान किया। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी दो औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लाओ। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना दूध निकाल कर आई। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला
यानी कि उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले दो गुना पाया गया। तो ये देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में ही कैसे हल किया। तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी हुई है, यहाँ तक के गिजा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की माँ होगी, और वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इसी आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए, जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया, तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दो गुना है और उसमें विटामिन्स ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दो गुनी पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन सी है और लड़की की माँ कौन सी है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि गिजा में भी। दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के बहुत पीछे है, यानी कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिलों में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वो उस बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया और उसकी जो रिपोर्ट आई वो देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि हम आपके लिए ही सिर्फ आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर करें और लोगों को बताएं कि कुरान कितना सच्चा है और साइंस और डॉक्टरों से भी बहुत आगे है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।